So very good morning everyone. How are you my dear students? Fine. So today lecture I am going to discuss the new chapter in human physiology. What is that? Excretory system. Human excretory systems के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या एक्सक्रेटरी सिस्टम्स होता है, उनके पास क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके माध्यम से वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करते हैं और एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से। सो आज के लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या है excretion? So can you tell me what is excretion? Removal of waste material from body. तो कैसे करते हैं removal of waste material from body? उसमें तो कोई ड्राइवर होता होगा ना भाई, जो कि गाड़ी को चलाने के लिए जो ह्यूमन की एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, वन पेयर ऑफ किडनी। सो मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स की केसेस में अगर हम लोग देखेंगे किडनी इज द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन और व्हिच आर हाईली रेस्पॉन्सिबल और एसेंशियल टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल फ्रॉम आवर बॉडी। So, आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक का नाम क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रेटरी क्या है स्वेलिंग, ई एक्स सी पी ओ आर वाई, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट and their elimination. Elimination. So this is also most important chapter. Here also one or two questions may be came in your medical NEET entrance examination. So first of all यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में व्हाट इज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच प्रोसेस ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मामल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और अदर इंसेक्ट लाइक दैट, दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिमूव द नाइट्रोजिनियस वेस्ट मेटेरियल, इट मे बी यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया बाय द हेल्प ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एक्सक्रेटरी ऑर्गन व्हिच आर हाईली एसेंशियल टू रिमूव द वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी और एलिमिनेट द वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। तो आज की क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन, थ्री टाइप्स, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, मैं एक कमेडी बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा एक कंटेनर को मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई आप डे टू डे लाइफ में डाइजेस्ट करते हो, फूड को डाइजेस्ट करते हो, खाते हो, क्यों खाना लेते हो भाई, वाटर भी लेते हो, पानी पीते हो, खाना लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ये सारी चीज क्यों लेते हो, एनर्जी के लिए, अपने बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए। आपकी बॉडी सिस्टम्स में आप एक ऑर्गेनिजम्स हो, एक इंडिविजुअल स्पीसीज हो, आपकी बॉडी के भीतर बहुत सारे सिस्टम्स है, क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स है, क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स से बना हुआ है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को लेके बना हुआ है। तो ये ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए हर जगह पे एक एक ड्राइवर को फिट किया गया है। ये किडनी वाले ड्राइवर है, एक्सक्रेशन करेगा, ये स्टोमक वाला ड्राइवर है जो कि डाइजेशन करेगा, ये स्केलेटल मसल्स और क्या है
बोन्स है जो कि लोकोमोशन मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे, ये हार्ट है जो कि ब्लड को पंपिंग करने के काम करेगा, ये लंग्स है जो कि ब्रीथिंग करने में मदद करेगा, ये सारा सिस्टम्स आपके बॉडी में है। ऐसे आपकी बॉडी में एक्सक्रेशन की भी सिस्टम्स है जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम्स है जिसमें किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्टिब्रेट्स में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। क्यों वेस्ट मटेरियल को आप लोग एलिमिनेट करते हो भाई, भीतर क्यों नहीं रहते? हाँ, हार्मफुल सब्सटेंसेस है आपके लिए, वो ज्यादा अगर अधिक से अधिक में एक जगह पे रहते 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 जाएगा तो क्या होगा, आप लोग के लिए हार्मफुल है, हाईली टॉक्सिक है, पॉइजनियस है। तो यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोग को डिस्कस करना चाहूंगा, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और व्हाट आर द डिफरेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स व्हिच आर हाईली एसेंशियल टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन के नाम लिखेंगे, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। सो आप लोग आंसर बताना फटाफट फटाफट। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आई टोल्ड यू लाइक इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स फ्लेटवर्म, व्हाट इज फ्लेटवर्म, और इसको कहते हैं प्लेटी हेलमेंथिस, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेंथिस, और सेफालो कोटेड भी सेफेलो कोटेड वाले जो होते हैं। सो फ्लैटवर्म, प्लेटी हेलमेंथिस, सेफालो कोटेड, ये सब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है बेटा, जिसके थ्रू से दे कैन डायरेक्टली रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल, व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, और दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल, व्हाट इज फ्लेम सेल, सो राइट इट प्रोटोनेफ्रिडिया और कॉल्ड फ्लेम सेल। So questions may be asked in your medical entrance examination. Flame cell is the excretory organ of which organisms? Flatworm या प्लेटी हेलमेंथिस या सेफालोकोटेड, किसका? चार ऑप्शन देगा उसमें एक ऑप्शन ये देगा तो याद रखना। या फ्लेटवर्म का एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो सिंपल से फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, इनके थ्रू से अपना वेस्ट मेटल को रिमूव करते हैं और एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आई टोल्ड यू लाइक दैट आर्थवर्म, आर्थवर्म और सोम एनेलिड्स के ग्रुप्स, सोम एनेलिड्स। व्हाट आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थवर्म इन एनेलिड्स? नेफ्रिडिया, वेरी गुड, नेफ्रिडिया, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस मेनी टाइम आस्क्ड इन योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आई टोल्ड यू लाइक दैट इंसेक्ट एंड कॉकरोच, इंसेक्ट हो गया, जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल ऑफ कॉकरोच। व्हाट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट एंड कॉकरोच? मल्टीसियन ट्यूबल्स, मल्टीसियन ट्यूबल्स इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच और इंसेक्ट व्हिच आर हाईली एसेंशियल टू एक्सक्रेट द नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल फ्रॉम देयर बॉडी। वो देखेंगे कौन यूरिया को रिलीज करता है, कौन यूरिक एसिड को, कौन एमोनिया को, हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल भी उसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आई टोल्ड यू लाइक दैट सम क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन,
what is the excretory organ of frog or crustacean? Antennal gland or green gland? Graft में भी होता है graft. Antennal gland or green gland. This is the excretory organ of frog. Clear, Mr. Ankit Babu? Next. Vertebrate. Vertebrate का क्या होता है? I give you example like reptiles, birds, mammals. Example, what are the excretory organ? Kidney. By the help of excretory organ, these are the excretory organ which are highly essential and responsible to excrete the nitrogenous waste material by the help of excretory organ, by these specific organisms. Clear? So today classes we are going to discuss the type of the excretion. You know that simple C, excretory product in their elimination. What are the excretory product? What is the topic theme? What is the excretory product? What are the different types of excretory product? Which can be eliminated by the responsible of excretory organs? This is the topic in human physiology. So what are the excretory product? First of all, we have to discuss the different type of the excretory product, which are highly, highly harmful to the living organisms like reptiles, birds, mammals, or etc. So excretory product. What are the different types of excretory product? It may be ammonia, it may be uric acid, it may be urea, it may be carbon dioxide, it may be sodium, it may be potassium, it may be Cl minus, it may be phosphate, it may be sulfate. These all are the excretory product which can be removed by the help of excretory organ, which can be eliminated by the help of excretory organ. Clear, Sriman Babu? Bachche ha, bachche ka. Hello, vesh vesh halachi. So now come to the point, what are the different types of excretion? Excretion means removal of waste material, और आप लिख सकते हैं nitrogenous waste material. Removal of nitrogenous waste material by the help of excretory organ. This process is called excretion. So excretion can be broadly classified into three major types. The first one is the aminotelic. The second type is the uricotelic. Urio or urico, two types hota hai, so yaad rakhiyega. The third type is called ureotelic.
So I told you like that, these are the excretory products which can be eliminated by the help of excretory organ. ठीक है, so this all excretory product are called nitrogenous waste. What is nitrogenous waste material? Clear Ankit? So I told you like this whole are the nitrogenous waste material which are highly harmful to your body. That's why you have to release by the help of excretory organ from your body. Is it clear? So यहाँ पे क्या होता है? What is amnotelic? Amnotelic is a type of excretion in which process some organisms they can directly convert the nitrogenous waste material to form the ammonia. Is it clear? और जो organisms, I told you example like the bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insect. They can directly remove the ammonia. This process is called what? Aminotelic or aminotelism. What is aminotelism? So aminotelic में क्या होता है? Nitrogenous waste material को convert करके क्या बनाएगा? एमोनिया बनाएगा और इसी एमोनिया को क्या करेगा? एक्सक्रेट करेगा और दिस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एमिनोटेलिज्म. व्हाट इज एमिनोटेलिज्म? एक्सक्रेशन ऑफ एमोनिया इज कॉल्ड एमिनोटेलिज्म. एग्जांपल एक्वाटिक, जो वाटर की, एक्वाटिक मतलब क्या होता है? वाटर के मीडियम में जो स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस, सम बोनी फिशेस, सम एक्वाटिक इंसेक्ट, so now I asked you questions which are highly important, or that questions already came in your previous years, MS, JIPMER or APMC, OUAT, NEET, AIPMT etc. in OJ. Questions already आ चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे nitrogenous waste material को convert करके जो ammonia बना रहा है इसी प्रोसेस को एमिनोटेलिज्म कहते हैं. जैसे कि ये देखने को मिलेगा आपको एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेस और एक्वाटिक इंसेक्ट की केसेस में. तो मेरे क्वेश्चंस है, ये मामल्स में, बार्स में, रेप्टाइल्स में, इनका केसेस में कैसे एमोनिया एमिनोटेलिक और एमिनोटेलिज्म पॉसिबल नहीं है, और एमोनिया को हम लोग क्यों डायरेक्टली वेस्ट मेटेरियल के थ्रू से एक्सक्रेट नहीं कर पाते हैं? What is the reason behind? Because ammonia are highly toxic than urea or uric acid. It more than 100 times toxic than urea or uric acid. So it can be required large amount of water or large amount of water. So large amount and lots amount of water हमारे पास available नहीं होता है. जो aquatic amphibian species और insect होते हैं इनके पास large amount of water available होते हैं, तो वो ammonia को directly वहाँ dissolve कर सकते हैं. इसीलिए they can directly release और excrete the ammonia from their body by the help of excretory organ. But we cannot remove or release the ammonia directly because it is highly toxic or highly poisonous. और हमारे में minimum loss of water हमारे में होता है, उनके में अधिक होता है, तो they can directly release or excrete the ammonia like toxic substances. सौम्य दर्शन किया? Okay, very good. The second type is the uricotelic. So can you give me some example of uricotelic? Uricotelic is a type of excretion in which excretion some organisms they can directly convert the
nitrogenous waste material to uric acid. So यहां नोट कर लो, nitrogenous waste material को convert करके uric acid बनाना, और this process is called uricotylism. What is better? Uricotylism. It is a type of excretion directly excrete the uric acid. Uric acid को excrete करने वाला जो process है उसको uricotylism कहते हैं. क्या कहते हैं रितिक? Uricotylism कहते हैं. So give me some example. Reptiles, birds, land snail बोले snail मलुष्का में आता है, snail घुली पाइला जो बोलते हैं, कुछ पानी में भी घुली होता है, कुछ जमीन में भी जो घुली इतना बड़ा बड़ा होता है land snail, है ना. So क्या हो जाएगा, birds, reptiles और क्या हो जाएगा, land snail और क्या है, insect, swamp insect. सारे इंसेक्ट में सोम इंसेक्ट. नेक्स्ट द थर्ड टाइप इज यूरियोटिल. कंफ्यूजन नहीं होने का है ना गायत्री रितिका जी, बहुत सारे बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरिको डेलिक और यूरियोटिल. हम भी अपने पढ़ने के टाइम पे कंफ्यूजन होते थे, दोनों सेम ही लगता था. तो क्या है क्वेश्चंस जब भी मेडिकल में आएंगे पहले देखिएगा, यूरियो है या यूरिको है. यूरिको हो गया तो यूरिक एसिड आ जाएगा और यूरियोटेलिक तो यूरिया आ जाएगा, ठीक है. सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन व्हिच प्रोसेस सोम ऑर्गेनिजम्स दे कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट मेटल टू फॉर यूरिया और removal of urea or excretion of urea. This process is called ureotelism. What is ureotelism? So here nitrogenous waste material can be convert to for urea or this excretion of urea is called ureotelism. So can you tell me example of ureotelism? You means mammals or terrestrial? Terrestrial amphibians or क्या हो जाओ, marine fishes, very good, marine fishes, salty water में जो रहते हैं, marine fishes हो गया, marine amphibians, terrestrial amphibians, mammals, these all are the example of the ureotelism. Directly, it is a process, the removal of urea by the help of excretory organ is called ureotelism. So, mammals, hum log kya hai? Humans, kya hai? Ureotelism. Hum log kisko remove karte hai? Urea ko. Ammonia ko kyun nahi karte hai, Ritika? Kyunki hamare body mein kitni liter water hoti hai? Blood 5 se 5.5 liter milega. वाटर भी 4-5 लीटर देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा पीता है. कोई कोई तो होता है सुबह उठ के आधा ग्लास, सीधा शाम को आधा ग्लास खत्म, एक ग्लास पानी. अरे बॉडी को जितना वाटर आप दोगे उतना आपका सारा सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा, उतना आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उतनी अच्छी से फंक्शन करेगा, है कि नहीं. कंप्यूटर में जैसे एंटीवायरस होती है तो चिपक चिपक के चलता है, एंटीवायरस होती है तो नहीं ठीक ठाक चलता है, और ज्यादा अगर एंटीवायरस नहीं है वहाँ पे ज्यादा वायरस हो जाएंगे वहाँ पे, तो चिपक चिपक के चलता है ऐसे, ठीक है ना.
सो ए था बेसिक फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। सो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन की एक्सक्रेटरी सिस्टम्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन थिंग्स में। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मींस फंक्शन, ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है एक्सक्रेटरी सिस्टम्स की जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो टुडे क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? वन पेयर ऑफ किडनी, वेरी गुड। बस वन पेयर ऑफ किडनी होता है हम कितने में, और कुछ नहीं होता है। यूरेटर नहीं होता है, यूरेथ्रा नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं है तेरे पास। ओह माय गॉड, मतलब डायरेक्टली रिमूव करते हो सीधा, कंट्रोलर कुछ नहीं है ना। सो टुडे क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रेटोरी सिस्टम। ह्यूमन की एक्सक्रेटरी सिस्टम, सिस्टम्स वाले क्यों आते हैं? सिस्टम्स, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम्स होता है, इसलिए सिस्टम्स के। सो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ किडनी। यस, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ यूरेटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर और इट कंसिस्ट ऑफ ए यूरेथ्रा। क्लियर? यही सब तो होता है ना बेटा, एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और ए प्यारा यूरेटर। ये क्या क्या होता है वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो पहले ए प्यारा किडनी हुई सर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बेइंग। सो ए पेयर ऑफ किडनी, ये पेयर ऑफ किडनी क्या होता है? एक पेयर, दो किडनी होती है ह्यूमन में। तो सबसे पहले देखेंगे किडनी में व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ द किडनी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किडनी। ऑफ किडनी वन पेयर होता है, सबसे पहले शेप देखेंगे किडनी की। शेप क्या होता है? बीन शेप होता है, चने देखे हो? किडनी की कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होते हैं। क्या होते हैं रितिका? रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट शेप में आते हैं, एप्पल शेप होता है। हाँ लिखा हूँ बीन शेप, अभी दूसरा उसका टोटल शेप में आएंगे। वो शेप एप्पल शेप होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, बीन शेप होता है ना। धोखे खाया किडनी को भी धोखे खाएगा क्या? ये शेप में बीन शेप है, इस शेप में टोटल उसका मतलब साइज, वेट, क्या क्या लेंथ, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले किडनी की लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर होते हैं। वाइड देखेंगे
5 to 7 centimeter next thickness देखने को मिलेगा, कितना मोटा थीसी 2 to 3 centimeter. Clear? अब देखेंगे वेट. वेट जो 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 होता है ज्यादा करके 120 से 170 ग्राम किडनी की होती है, और आज ए कंपेयर टू मेल, फीमेल का थोड़ा सा 10-20 ग्राम कम होता है, 100 से 130-40, और 120 से 170 जो है ये नॉर्मल ह्यूमन की किडनी है. वेट ऑफ द किडनी.